कबीर खान की 5 बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। कबीर खान की 5 ब्लॉकबस्टर्स जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की टॉप 5 न्यू अपडेट में। बॉलीग्राड की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की टॉप 5 ऐसी ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों के बारे में जिन्हें डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर कबीर खान ने। और उनकी ये फिल्में ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही बल्कि इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड कायम किया है। तो इसी कड़ी में पहला नाम आता है एक था टाइगर। 2012 में कबीर खान के डायरेक्शन में आई बॉलीवुड थ्रिलर एक था टाइगर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने 2012 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का खिताब हासिल किया था। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों सीक्रेट एजेंट के कैरेक्टर में नजर आए थे। फिल्म में सलमान खान जो रॉ के एजेंट थे और वहीं कैटरीना कैफ आईएसआई एजेंट होती हैं जो पाकिस्तानी होती हैं। फिल्म में दोनों जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए थे। फिल्म का म्यूजिक भी ब्लॉकबस्टर रहा था जिसे कंपोज किया था सोहिल सेन ने और साजिद वाजिद ने। 75 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ की कमाई की और उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। तो इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है बजरंगी भाईजान। 2015 में कबीर खान के डायरेक्शन में आई ड्रामा एक्शन फिल्म बजरंगी भाईजान भी ऐसी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का खिताब हासिल किया था। फिल्म में सलमान खान ने एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर प्ले किया था जो छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है जिसे वहां जाकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी थी जो लोगों को थिएटर्स तक लाने में कामयाब रही। लेकिन अगर मेरी बात माने, अगर इस फिल्म में सन्नी पाजी होते तो वो इस लड़की के घर वालों को हिंदुस्तानी बुला लेते। फिल्म में करीना कपूर उनके अपोजिट नजर आई थी। जबकि चाइना में रिलीज होने के बाद फिल्म ने 900 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है न्यूयॉर्क। 2009 में कबीर खान के डायरेक्शन में आई न्यूयॉर्क भी उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म का खिताब हासिल किया था। फिल्म में जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश और कैटरीना कैफ जैसे एक्टर्स एक्टिंग करते नजर आए थे। फिल्म 3 दोस्तों की कहानी थी जिनकी लाइफ 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद बिल्कुल बदल जाती है। फिल्म में जॉन अब्राहम ने बड़ी एक्टिंग की थी। 1.5 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 65 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसी कड़ी में चौथा नाम आता है फैंटम। 2015 में कबीर खान के डायरेक्शन में आई फैंटम भी एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान और कैटरीना कैफ जबरदस्त एक्शन करते नजर आए थे। फिल्म एक ऐसे इंडियन सोल्जर की कहानी थी अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए 26/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद एक मिशन पर निकल जाता है। फिल्म का बजट 72 करोड़ था लेकिन फिल्म ने 84 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो इसी कड़ी में पांचवा नाम आता है काबुल एक्सप्रेस। 2006 में आई काबुल एक्सप्रेस भी एक ऐसी ही बॉलीवुड एडवेंचरल ड्रामा फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई थी। ये फिल्म कबीर खान की डेब्यूट फिल्म थी। फिल्म में जॉन अब्राहम और अरशद वारसी लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी 2 इंडियन जर्नलिस्ट की थी जो पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी सोल्जर्स एजेंट समझकर पकड़ लेते हैं। फिल्म का बजट 12 करोड़ था जबकि फिल्म ने 29 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए आप हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।